हेलो साथियों, टीम प्रबंध में आप सबका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आप सब लोग तेजी से जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए। सब लोग एक बार तेजी से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, ठीक है ना। जो भी आप लोग LTS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, जो CGL के लिए, चाहे CHSL के लिए, सबके लिए, जहां जहां आपकी इंग्लिश पूछता है, ठीक है भाई। आज हम लोग दो दो लेवल पे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। दो लेवल पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। एक जो हमारे MTS में चाहे CGL में जो पूछता है, एक तो हर पेपर का अलग अलग सेट में पेपर आता है, तो सबको पता है। कहीं 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 आपके इजी लेवल होता है, कहीं आपके टॉप लेवल होता है, ठीक है भाई। तो टॉप क्या मतलब, उसको हार्ड लेवल मतलब, और एक तरह से हम लोग देखते हैं तो पेपर को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि हाँ पेपर का लेवल कैसा है, मॉडरेट है, इजी है कि मॉडरेट है कि हार्ड है, ठीक है ना। तो हम लोग दो तरीके से, ठीक है, देखेंगे। आज जबरदस्त क्लासेस होने वाली है, सब लोग एक बार क्लासेस में बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही मजेदार होगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो हम लोग देखेंगे जो हार्ड लेवल हो सकता है पेपर में, सबसे हार्ड पॉसिबिलिटी, कितने हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं एक उस लेवल पे, और एक इजी लेवल के, दोनों देखेंगे दोनों लेवल पे। तब उसके बाद से इससे हार्ड लेवल नहीं हो सकता है और इसी लेवल के पेपर सब लोग का बनेगा, ठीक है भाई। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सब लोग प्रयास करना क्वेश्चंस को ट्राई करने का, बने ना बने टेंशन नहीं लेना है, ठीक है भाई। खाली क्वेश्चन को प्रयास करना, पढ़ना और बन सके तो कोशिश करना कि आंसर देने। चलिए यहाँ से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो भाई, जितना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना, सारे क्वेश्चंस का आप इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ना, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस पढ़ना क्वेश्चंस की बहुत जरूरी है, क्योंकि पता चलते हुए भी क्वेश्चंस गलती हो जाती है कभी कभी, क्योंकि हमें पता रहता है इंस्ट्रक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बार इंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बुक्स। आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है और क्वेश्चन यहाँ से हम लोग, ये आपके इंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन से, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ो और ट्राई करो कि बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम लोग इंस्ट्रक्शन देख ही लिया दिया है। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, ठीक है भाई। क्वेश्चन बोल रहा है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। कोई भी वर्ड्स को सेम हूबहू आप यूज कर रहे हो, मान लो कहीं लिखा हुआ वर्ड है, कोई कहीं बोला गया वर्ड है, एकदम सेम वर्ड में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं, जैसे हूबहू आप उस पे उस चीजों को नकल कर पा रहे हो, वैसे ही लिख दे रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। जो ओरिजिनली जैसे वर्ड है, ठीक है ना, वैसे ही आप लिख रहे हो, ऐसे ही आप कर रहे हो उसका नकल, उसको क्या बोलते हैं, सोचना। एक वर्ड दिया है इम्प्रेसाइज, ऑप्शन ए में, बी में स्टिक, सी में दिया है न्यूट्रल और डी में दिया है वर्बेटिम। क्या आंसर आप लोगों को लग रहा है, ठीक है ना। कोशिश करना है कि आंसर सब लोग प्रयास करना, ठीक है ना। चलिए देखो, इम्प्रेसाइज का मतलब होता है जो चीजें निश्चित नहीं, जो चीजें निश्चित नहीं है, अनिश्चित को बोलते हैं इम्प्रेसाइज। जो अनिश्चित हो, क्या हो भाई, अनिश्चित हो, ठीक है ना, अनिश्चित हो, उसको बोलते हैं इम्प्रेसाइज। न्यूट्रल का मतलब सबको पता है, न्यूट्रल का मतलब होता है जो किसी भी पक्ष में ना हो, निष्पक्ष हो, न्यूट्रल मतलब जो निष्पक्ष हो, ठीक है ना, किसी की पक्षपात ना करता हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको निष्पक्ष। स्ट्रिक का मतलब होता है जो अपने में बहुत क्या हो, अनुशासन हो, अनुशासित हो, स्ट्रिक हो माने कठोर हो, मतलब नहीं होते कि किसी चीज में आप स्ट्रिक हो, तो उसके किसी भी चीज को पालन कर रहे हो, नियम कानून को उसके प्रति, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक। तो यहाँ पे वर्ड क्या होगा, वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है कोई भी वर्ड ऐसा लिखा हुआ है जो जैसे ओरिजिनली लिखा हुआ उसको सेम एग्जैक्टली क्या कर देना,
एग्जैक्टली ऐसे ही आपको यूज करना है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वर्बेटिम, ठीक है भाई, उसको क्या बोलते हैं वर्बेटिम। आंसर बनेगा आपके डी, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ये जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग के अभी क्वेश्चन करेंगे, 25 तक जो क्वेश्चन होंगे 25 तक वो आपके इजी लेवल के पेपर जो, ठीक है ना, उसके बाद वाले होंगे वो टॉप लेवल के होंगे, तो आगे टॉप नहीं करा रहा हूँ इससे, उससे चलते हैं इजी टू टॉप, ठीक है ना। चल ये क्वेश्चन समझ में आया, चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है, यहां से क्वेश्चन से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, इतना तो कन्फर्म है कि आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन आपके कॉमन एरर के क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर है, ठीक है। चल ही हैज बीन प्रेजेंटेड ऑफ ऑनरेरी अवार्ड्स, ही हैज बीन प्रेजेंटेड ऑफ ऑनरेरी अवार्ड्स, उसको क्या किया गया, ऑनरेरी अवार्ड दिया गया, प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना, दिया गया किसी को, उसको बोलते हैं। अब देखो प्रेजेंटेड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंटेड के साथ ये वाला जो ऑफ प्रीपोजिशन है ये गलत है, ठीक है ना, यहाँ प्रीपोजिशनल एरर है, एरर बन रहा है प्रीपोजिशन, तो प्रेजेंटेड के साथ हमारे विथ आएगा। अब हम लोग पढ़ के देखेंगे तो आपको और मीनिंग स्पष्ट दिखेगा, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, ही हैज बीन प्रेजेंटेड विथ ऑनरेरी अवार्ड, उसको ऑनरेरी अवार्ड के साथ, उसके साथ उसको क्या किया गया, आपको प्रस्तुत किया गया, मतलब दिया गया, ठीक है ना, प्रेजेंट किया गया मतलब सम्मानित किया गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो ऑनरेरी अवार्ड है वो गलत नहीं है, ऑनरेबल नहीं, ऑनरेबल पर्सन के लिए आता है, ठीक है ना। ऑनरेबल क्या होता है, ऑनरेबल पर्सन के लिए, जैसे ऑनरेबल लीडर्स, ऑनरेबल कोई भी पोस्ट के लिए, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, वो एडजेक्टिव होता है, उस व्यक्ति की विशेषता बताता है, ठीक है ना। यहाँ अवार्ड के लिए ऑनरेरी आएगा, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चंस को, एंटोनिम बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है, एंटोनिम, इनविगोरेट, क्या दिया है, इनविगोरेट, वर्ड क्या है भाई, इनविगोरेट, अब बताना है कि क्या होगा, सोचिए इनविगोरेट का मतलब क्या होगा, सोच के आप लोग बताइए, सोचिए और आंसर कीजिए, एकदम एक एक चीजों को समझना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बताइए क्या लग रहा है, इनविगोरेट का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज को मजबूती देना, ठीक है ना, किसी चीज को मजबूत बनाना, किसी को समर्थन करना, उसको बोलते हैं इनविगोरेट। अब इसका एंटोनिम पूछा है, ठीक है ना। अब देखो इनर्जाइज और ग्रो, इनर्जाइज के मतलब किसी चीज को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ग्रो, मतलब कि आगे बढ़ना, ये दोनों इसके क्या बन रहे हैं, सिनोनिम बन रहा है। और इनविगोरेट की क्या, टायर मतलब होता है जो थका हो, जो टायर बने जो थका होगा, ठीक है ना, उसको जो थका हो उसको बोलते हैं टायर। डिफॉर्म का मतलब किसी चीज को खराब कर देना, डिफॉर्म का मतलब किसी चीज को खराब करना, विकृत करना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, विकृत करना, उस क्लियर बात समझ में आ रही है। चलिए किसी भी वर्ड में आपको लगे कि हाँ नहीं समझ में आया उसको, सारे वर्ड्स को जो जो आपको पता नहीं है उसको लिखना जरूर, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में ये सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं और एक एक वर्ड को जानना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बोथ सॉन्ग्स हैव बीन रीवर्क्ड गिविंग देम फ्रेश इम्पेटस, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है वर्ड इम्पेटस, ठीक है, इम्पेटस। अब बताना है कि इस इम्पेटस का मतलब क्या होगा और इसका आंसर क्या लग रहा है, कोशिश कीजिए आंसर बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए और जो जो मैं वर्ड बताऊंगा समझाऊंगा आप लोग उसको बनाते जाना, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है, चले आगे, समझ में आ रही है।
चलिए अब क्वेश्चन का कभी भी आंसर करो क्वेश्चन का नंबर डाल के। चलिए क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पे इंपेटेंस का मतलब होता है किसी चीज को प्रोत्साहित करना, क्या करना, प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन को बोलते हैं या प्रेरणा को बोलते हैं, किसी चीज को प्रेरणा देना, ठीक है, प्रोत्साहन और प्रेरणा को बोलते हैं, इंपेटेंस करना, ठीक है, किसी को प्रोत्साहन करना, सपोर्ट करना। अब यह डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से आपको अलग थलग कर देना, एक तो ये आंसर, एक तो इसका होगा, और एक होता है डिटैचमेंट का मतलब सैनिक, सैनिकों की टुकड़ी को भी डिटैचमेंट बोलते हैं, जो हमारी सेना होती है उसकी माने कोई टुकड़ी कोई ग्रुप है उसको भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज को बिगाड़ देना, समझ रहे हो ना, किसी चीज को हतोत्साहित करना उस सेंस में है, ठीक है ना। डिफॉर्म का मतलब खराब करने का मतलब किसी चीज को बिगाड़ना, बने हुए कामों को खराब कर देना, हतोत्साहित करना उस सेंस में है, ठीक है ना, उसको। अब इंपेटेंस का मतलब प्रोत्साहन प्रेरणा, डिटैचमेंट का मतलब एक सैनिक की टुकड़ी को भी बोलते हैं और किसी चीज को अलग करना उसको भी डिटैचमेंट करते हैं, ठीक है ना। डिसफेवर मतलब किसी का फेवर ना करना, ठीक है ना, उसके विरोध में चले जाना, फेवर माने किसी के पक्ष में करना या किसी के पक्ष के बाहर विपक्ष में जाना, ठीक है ना, उसको उसको विरोध में जाना उसको बोलते हैं डिसफेवर करना। एवर्जन, एवर्जन बहुत बार वर्ड आया है, एवर्जन मतलब किसी से नफरत करना, किसी से घृणा करना, जिस किसी से हेट करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। और इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब होता है किसी चीज को उत्तेजन, उत्तेजना को बोलते हैं, इंसाइटमेंट होना, उत्तेजना होना, ठीक है ना, किसी चीज के लेके, ठीक है ना, उसको आंदोलित होना उसको बोलते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी प्रेजेंट सब ठीक है, समय पे आ जाए कीजिए, समझ में आया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या बनेगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपके क्या होगा, प्रोत्साहन करना। इसके पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा है, ठीक है ना, सिनोनिम पूछा है, तो क्या हो जाएगा, इंसाइटमेंट होगा। क्लियर है, किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, एक एक चीजों को समझना है, जानना है, ठीक है भाई, जहां डाउट लगे आपको बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि कौन सा आपके सही है। देखो एक आपके सही है, तीन वर्ड गलत है, अब इसमें से आपको सोचना है कि किस वर्ड में आपकी गलती है, ये सोचिए और बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब दिया है वर्ड, दिया है वेरीनेस, वेरीनेस कोई वर्ड नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। डिच, डिसेंटमेंट, ये भी कोई, ये भी वर्ड में गलती है। अवेकनिंग, ये भी गलत है। और मोनूमेंटल, ठीक है ना, मोनूमेंटल, ये आपके सही है, एक ही आपके सही है, ठीक है ना। तो गलत क्या है, तो अवेयरनेस भी क्या गलत है, अवेयरनेस ऐसे लिखेंगे, अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब जो आप जागरूक हो उसको बोलते हैं। डिसेंटमेंट का मतलब होता है किसी चीज से आपका मोहभंग हो जाना, किसी चीज से एकदम मतलब मन क्या बोलते हैं, आपके दुखी हो जाना, किसी से एक तरह से मन दुखी हो गया, आप उससे मोह से भंग हो जाना, मतलब उससे कोई मोह नहीं रहा है, चाहे कोई प्यार प्रेम नहीं रहा है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, डी आई ए सी एन सी एच ए, ठीक है, एन एम ई एन डी, डिसेंट, डिसेंटमेंट, क्या पढ़ेंगे, डिसेंटमेंट, डिसेंटमेंट, ठीक है। मोनूमेंटल आपके सही है, मोनूमेंटल किसको बोलते हैं, जहां कोई स्मारक वगैरह है, कोई ऐतिहासिक स्मारक कोई भी हो उसको बोलते हैं। अवेकनिंग का मतलब होता है जगाना, अवेकनिंग, ठीक है ना भाई, अवेकनिंग मतलब जग, इस सारे वर्ड का देख लेना सही, ठीक है ना, ये सारे वर्ड सबके सही है। अब इसको सुधारा गया, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि हो सकता है कि क्वेश्चंस आपके कहीं रिपीट हो जाए, फिर से आए, ऐसे इसी में से कोई ऑप्शन से क्वेश्चन बनता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग दो बार पढ़ोगे ना तो इसका क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या लग रहा है। द वेदर वॉज सो फिल इन द ब्लैंक्स दैट सी कुड नॉट एस्केप आउट ऑफ द हाउस, द वेदर वॉज सो फिल इन द ब्लैंक्स दैट सी कुड नॉट एस्केप आउट ऑफ द हाउस, ठीक है ना।
अब क्या हो सकता है सोचिए। अब यहाँ पे क्या है, सीरियस का मतलब कोई चीजें गंभीर हो, कोई चीजें क्या हो, गंभीर हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सीरियस। सीरियस क्या है, पर्सन के लिए जनरली आता है, चाहे कोई मैटर के लेके आता है, ठीक है ना, कोई बातों के लिए, कोई पर्सन के लिए सीरियस मैटर है, कोई इश्यूज के लेके, मुद्दों के लेकर। इनेप्ट का मतलब होता है जो अयोग्य हो, क्या हो, ठीक है, इनएबल हो, इनएबल, इनएबिलिटी हो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, अयोग्य हो। टेरिबल का मतलब क्या हो, जो भयावह हो, जो क्या है, भयानक है, जो भयंकर हो, भयानक, जो डराना, भयानक, ठीक है ना। और स्लाइट मतलब कोई चीज हल्का हो, थोड़ा हो, किस चीज में, स्लाइट मतलब हल्का को बोलते हैं, लाइटली, ठीक है ना, थोड़ा हल्का उसको। तो यहाँ पे कैसा हो सकता है, वेदर कैसा होगा कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं घर से, अब आप कैसा, ये तो पर्सन के लिए आता है गंभीर सीरियस, तो आपका भयानक टेरिबल है, मौसम कैसा है, आपका मौसम कैसा है, टेरिबल है, जिस कारण से आप नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए टेरिबल का स्पेलिंग सही से लिखिए, ठीक है ना, टेरिबल पे क्या होगा, टी आर आर आई बी एल, ठीक है ना, स्पेलिंग भी सीखना है, किसी किसी का गलत नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए समझ में आई, भयानक का मतलब होता है, हाँ, भयानक टेरिबल उसको बोलते हैं जो बहुत ही खराब मौसम है, बाहर जाने योग्य नहीं, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, आंधी तूफान, उस सेंस में मौसम के बोल रहा है, ठीक है ना। समझ में आई बातें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेवन, दिस इज ऑन फॉर अ बेस्ट आइसक्रीम आई आई हैव एवर हैड। अब क्या है, आप सोचो इसमें से क्या एरर लग रहा है, इस क्वेश्चन में क्या एरर लग रहा है, ठीक है ना, इसमें से क्या गलत है। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये एक वर्ड है गुड, गुड वेटर बेस्ट, ठीक है ना, गुड है या वेल, वेल मतलब ये अच्छा होता है, गुड मतलब आता है, इस दोनों गुड और वेल का कंपैरेटिव डिग्री बेटर बनता है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट बनता है, ठीक है ना भाई, ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव, यहाँ बेस्ट दिया है। आपको मैंने कई बार बताया है कि जब भी आपकी सुपरलेटिव बेस्ट हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी आपके सुपरलेटिव डिग्री पे ऐसा वर्ड हो, तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द आता है, क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल द आता है, क्लियर है। तो आपको ढूंढना है इसमें बेस्ट के साथ इनडेफिनिट ए आ ही नहीं सकता है, तो किसमें है, एक ही में है आंसर होगा। बात समझ में आई, इसी तरह का क्वेश्चंस बनेंगे आपके पेपर में, ठीक है, ध्यान देना भाई, समझ में आया कि कैसे हो रहा है, यहाँ पे द बेस्ट होगा ना, यही आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है, सुपरलेटिव के पहले द आता है, ठीक है, जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे, समझ में आया, ऐसे समझना है एक एक चीजों को। ए क्या है, ए और एल इनडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, मैंने आर्टिकल पढ़ाया भी हूँ, ठीक है, लेक्चर से पूरा 20-22 वीडियो है, बहुत ही डिटेल में बताया भी है, समझाया भी है, ठीक है, जो लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसे आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ, कि वेल या गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है, और बेस्ट के जो भी सुपरलेटिव डिग्री उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द आता है, ठीक, समझ में आई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, सिनोनिम बताना है रिवील, रिवील का मतलब होता है किसी चीज का खुलासा करना, रिवील का मतलब किसी चीज का प्रकट करना, किसी चीज का खुलासा करना, किसी चीज को बाहर लाना, कोई चीज प्रकट करना, रिवील कर देना, ठीक है ना, सच्चाई को बाहर लाना, चाहे कोई भी चीज को व्यक्त करना, प्रकट करना, ठीक, इसका क्या पूछा है भाई, ये ध्यान देना, सिनोनिम पूछा हुआ है, तो सिनोनिम क्या होगा, कर्व मतलब क्या होता है, कर्व करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, उसको बोलते हैं कर्व। बाई फार मतलब बहुत दूर, मतलब बाई फार मतलब बहुत दूर, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है बाई फार द बेस्ट, मैंने सबसे बेस्ट, मैंने ये आइसक्रीम जो मैंने इससे पहले
आई हैव एवर हैड इस सबसे बेस्ट आइसक्रीम के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना, बाई फार ऐसा कहीं नहीं देखा था उस सेंस में है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब यहाँ पे वेल, एक वर्ड है वेल, ठीक है ना, ठीक है ना, वेल है और क्या है, डार्केन है, डिस्क्लोजर। रिवील का मतलब क्या होता है, किसी को बाहर लाना, प्रकट करना। अब इसका क्या हो सकता है सोचिए, सब लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, सिनोनिम बताना है, ठीक है ना। रिवील मतलब प्रकट करना, किसी चीज को व्यक्त करना, बताइए सब लोग बताइए क्या होगा। क्या लग रहा है, चलिए आंसर आना शुरू हो गया। देखो यहाँ पे रिवील का मतलब किसी चीज को प्रकट करना, तो यहाँ पे डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज माने किसी चीज को बाहर लाना, कोई भी चीज ऐसी दबी हुई है, कोई चीज सच्चाई को, किसी भी बात को बाहर ला देना, पब्लिकली बताना, उसको बोलते हैं डिस्क्लोज करना, ठीक है ना। डार्केन का मतलब अंधेरा वगैरह को बोलते हैं, जो अंधेरा आवरण हो उसको बोलते हैं। और वेल का मतलब होता है आवरण, किसी चीज का आवरण, घेरा, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी भी चीज के आवरण कवर को बोलते हैं वेल। तो आंसर हो जाएगा डी। किसी को डाउट है तो बताइए, सारे वर्ड जो जो आपको नहीं पता है लिखते जरूर जाना, ठीक है भाई। चल एक idiom है, गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट, अब बताना है क्या होगा, गेट कोल्ड फीट, ठीक है, ये idiom है गेट कोल्ड फीट। इस idiom का मतलब क्या होना, अब देखो ना, फीट का मतलब क्या हो गया ना, मान लीजिए फीट मतलब पैर, ठीक है, फीट कोल्ड पर जा रहा, अब कनेक्ट करो, क्या करो, कनेक्ट करना है, जोड़ो इसको व्यवहारिक ऐसे, मतलब कोई चीज को कनेक्ट करके सोचो कि किसी चीज को क्या हो जाना, फिट मतलब हाथ पाव ठंडा पड़ जाना, ठीक है ना, हाथ पाव कैसे हो जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाथ पाओ क्या हो जाना, एक बार ठंडा पड़ना, इसको कनेक्ट करो। तो यहाँ पे गेट कोल्ड फीट को अगर करेंगे तो दो ऑप्शंस यहाँ पे है, टू गेट नो रिजल्ट्स, टू बी इन अ बैड मूड, और टू बी फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, ठीक है ना। अब हमें बताइए आपके किसी भी चीज को करने से किसी से क्या होना, हाथ पाओ ठंडा हो जाना, इससे क्या मतलब, नर्वस हो जाना, कनेक्ट कर रहे हो, टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, मतलब अपने आप को नर्वस फील करना किसी चीज को करने की। हो सकता है बहुत सारे लोग कोई चीज काम करते हैं स्टार्टिंग में तो नर्वस हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं, तो किसी चीज से नर्वस हो जाना, करने से घबरा जाना, उसको बोलते हैं। अब इसको मेरे कनेक्ट करने के क्या है, कोई भी आपके हाथ पाओ ठंडा पड़ जाना, मतलब अब समझ में नहीं क्या कर रहे हैं, इसका मतलब नर्वस हो जाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके, टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग। अब इसको मैं कनेक्ट किया तो इससे हमेशा आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने कनेक्ट किया, तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे थोड़ा सा। इसीलिए आप भी किसी भी कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो इंग्लिश में idioms कुछ भी, कोशिश करना कनेक्ट करने की, जिससे कि आपको, ठीक है ना, आप पता चल जाए, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है भाई, सब लोग बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। वाटर इज यूजिंग इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, ठीक है, ठीक है ना, वाटर इज यूजिंग इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। अब आपको बताना है कि एबीसीडी में से कौन सा सही है, ठीक है भाई, हाँ जी, समय पे आ जाए कि जी भाई, लेट मत, बहुत सारे लोग लेट से जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आज तो बहाना आप लोग मत करना कि इवेंट नहीं बना था, इवेंट कल के ही बन गया था, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का देखिए, अब इसमें क्या होगा, ए में यहाँ पे दिया है वाटर इज यूज, यूजिंग कोई वर्ड नहीं होता है, यूज इसमें थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा पैसिव में, ठीक है ना, पैसिव फॉर्म, पैसिव के रूप में यूज किया है, वाटर इज यूज इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, जो पानी को क्या है, बॉडी के हर सेल में यूज किया जाता है, हर सेल में यूज होता है पानी, हमारे हर सेल में ही पाया जाता है। तो आपको पता है ना, हमारे शरीर के 50-60% पानी ही होता है, आप सबको पता है। तो टू यूज्ड इन एवरी
यहाँ पे क्या होगा इज यूज का मतलब ये पैसिव में यूज किया है, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव में आते इसके थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके आंसर बनेंगे, क्लियर है, समझ में बातें आ रही है, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अब बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में कि किस पार्ट में आपके इसमें क्या आंसर हो सकता है। गांधी स्पेंट मेनी इयर्स फिल इन द ब्लैंक साबरमती आश्रम, गांधी स्पेंट मेनी इयर्स फिल इन द ब्लैंक साबरमती आश्रम, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, देखो दो दो प्रीपोजिशन होता है, एक होता है एट, एक होता है इन, ठीक है ना। एट कब आता है, एट कब आता है जब स्मॉल प्लेस हो, कैसा प्लेस हो, छोटा प्लेस हो, और इन कब आता है जो कोई बड़ा प्लेस हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मान लो कोई भी जगह का नाम ले लो जो छोटा है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि आई लिव एट, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि आई लिव एट नेहरू नगर, ठीक, आई लिव एट नेहरू नगर, तो क्या है एक छोटा सा प्लेस है, ठीक है। तो वहां पे जहां छोटा प्लेस है उसके साथ प्रीपोजिशन एट आता है, ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट, जैसे आई लिव एट रोहतक, मैं रोहतक में रहता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से छोटे जगह पे। अगर मैं बड़े शहर को जब चर्चा करूंगा, बड़े जगह, जैसे आई लिव इन मुंबई, ठीक है, आई लिव इन चेन्नई, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, तो आई लिव इन पटना, तो ये बड़े शहर को जब भी हम कोई बड़े जगह को करते हैं तो उसके साथ हमारे क्या होता है, हाँ आई लिव एट बार, समझ में आ रही है ना। ये छोटे जगह के लिए हमारे एट प्रीपोजिशन होता है, और बड़े जगह के लिए क्या होता है जो उसके लिए, ठीक है ना, इन होता है। तो साबरमती आश्रम क्या है, छोटा सा प्लेस है, ठीक है ना, एक आपके कहां गांधीनगर अच्छा अहमदाबाद के छोटे से प्लेस के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऐड होगा, क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है, बोलिए, एग्जांपल समझ में आया, जैसे आई लिव इन, जैसे आप बोल रहे हो आई लिव इन कोई भी शहर ले लो, ठीक है ना, चेन्नई मान लो, चला बड़े शहर के लिए, अगर मैं बोलता हूँ आई लिव एट बार, तो क्या है ये छोटे प्लेस के लिए, ठीक है ना, तो ऐसे ही आपके ये छोटा प्लेस है इसलिए प्रीपोजिशन एट आए, और कोई सोचना ही, क्लियर है ना, ठीक है ना, हाँ बड़े शहर के लिए वैसे ही आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर ऑल फर्स द कंपनीज हैज स्टिल नॉट रीच एज अ कंसेंसस, आफ्टर ऑल फर्स मैंने सभी जो भी बातें हुई जो कुछ भी हुआ, कंपनी क्या है अभी भी नहीं पहुंची है आम सहमति पे, कंपनी कहाँ नहीं पहुंची है आपके आम सहमति पे नहीं पहुंची, आम सहमति मैंने सबके साथ चलने पर, तो यहाँ पे देखो कंपनीज क्या है सब्जेक्ट, ठीक है, कैसा सब्जेक्ट है प्लूरल है, ठीक है, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब आपका प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैव होगा, ठीक है ना। अब हैव के बाद हमें पता है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा, क्यों आएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म क्यों आएगा, आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, किस टेंस में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो गया आफ्टर ऑल द फर्स्ट द कंपनीज हैव स्टिल नॉट रीच्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा रीच नहीं होगा, ये थर्ड फॉर्म होगा,
क्योंकि हैव हैज का कंसेप्ट है, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपके ए, क्लियर है। इसमें भी थर्ड फॉर्म दिया है लेकिन नॉट छोड़ दिया है, तो नॉट को कैसे ड्रॉप करेगा, नॉट तो रहेगा ही, आंसर हो जाएगा आपके ए। समझ में बातें आई, यस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए इसमें दोनों है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी बारे में बता रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन से देखिए इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, सोचिए। क्वेश्चन नंबर 13 का फिल कीजिए कि इसमें क्या हो सकता है। फूड वाज फिल इन द ब्लैंक्स, गाइड्स वर नॉट टू बी फाउंड, ठीक है ना, एंड द एनिमी डॉस देम ऑल द वे, क्या हो सकता है इसमें पुट कीजिए, सोचिए कि क्या बन सकता है, बताइए। सब लोग ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर लग रहा है। 13 नंबर क्वेश्चंस का आंसर सब लोग कीजिए भाई। चलिए अब देखो क्या है, फूड यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जबरदस्त डॉज मतलब क्या होता है, कोई चीजें बहुत जबरदस्त हो, तो एनिमी डॉज मतलब जबरदस्त तरीके से आपको क्या करे खेल रहे, ठीक है ना। यहाँ पे चांस मतलब मौका, फार्स मतलब किसी चीज का मजाक करना, ठीक है ना, कोई चीजें मजाक बनाना किसी चीज को, उसको बोलते हैं फार्स करना, ठीक है। क्रस मतलब कोई चीजें घना हो, कोई चीजें घना हो, चाहे शेप में घना मोटा इस तरह की हो से है, उसको बोलते हैं क्रस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार से क्या है, अपर्याप्त, अपर्याप्त, ठीक है ना। सही है, अपर्याप्त, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कार्स हो जाएगा, समझ में आ रही है ना। सेंटेंस को पढ़ोगे तो ही होगा। तो यहाँ पे आप ही सोचो ना कि यहाँ पे फूड किस सेंस में होगा, या तो सरप्लस में, आप भोजन की जब बातें कर रहे हो तो दो ही कंडीशन में होगा ना, या तो भोजन कहीं ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा है तो सरप्लस लिखेंगे, चाहे कमी होगा तो स्कार्स लिखेंगे, और कोई वर्ड यहाँ पे फिट होगा नहीं, तो बात सीधे से यहाँ पे स्कार्स। आंसर क्या हो जाएगा, फूड वाज स्कार्स, गाइड्स वर नॉट टू बी फाउंड, एंड द एनिमी डॉज, डॉज मतलब किसी को जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना, किसी चीज जबरदस्त तरीके से किसी को करना, आपकी घेर लेना उसके लिए। हाँ, फार्स मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है ना, फार्स मतलब किसी का मजाक करना उसको बोलते हैं, ठीक है, मजाक बना देना कोई चीजों को उसको, ठीक है। देखो ये वर्ड हमेशा कम से कम ये वर्ड चार बार पांच बार आया है, सिरेन, सिरेन वर्ड आया है, पता है आपको कई बार आया है। सिरेन का मतलब होता है किसी चीज को शांत कर देना, सिरेन का मतलब किसी चीज को शांत करना, ठीक है। ये वर्ड नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आप देखो क्लास में सीखोगे पढ़ोगे, और जो जो मैं वर्ड बताते जाता हूँ सारे वर्ड्स को लिखा करो सब लोग, अगर लिखोगे ना तो उससे क्या होगा ना कि वो सारे वर्ड सब पे तैयार होते जाएंगे, ये ध्यान देना है। अब क्या होता है, आप पढ़ लोगे या नहीं लिखोगे ना तो वो क्या होगा कि वर्ड्स आपके भूल जाओगे, इसीलिए पढ़ो उसको रिवाइज करते रहो, इसलिए बहुत जरूरी है कि रिविजन जरूरी है, बिना रिविजन के कुछ नहीं, कितना भी पढ़ लो रिविजन नहीं रहेगा तो फिर जाके दिक्कत होता है, क्योंकि भूल जाता है ना आदमी, यह दिक्कत। चलिए एंटोनिम सिरेन मतलब शांत करना, चिंगन कुछ बहुत शांत हो, काम हो उसको बोलते हैं, कुल हो उसको बोलते हैं सिरेन, ठीक। अनपर्टर्ब, अनपर्टर्ब का मतलब जो स्थिर हो, जो क्या हो एकदम स्थिर हो, ठीक है, कॉन्स्टेंट हो, जो चेंज ना हो, ठीक है। प्लीज मतलब शांत होता है, तो इसका सिनोनिम बनेगा। कंपोज का मतलब कुछ चीजें संगठित हो, कुछ चीजें एकदम सिस्टमेटिक हो, ठीक है ना,
तो हमें सिरेन के एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब आंदोलित हो जाना, किस चीज में क्या हो, आंदोलित होना, उग्र होना, उसको बोलते हैं एजिटेटेड। ठीक है भाई, बात समझ में आई, एंटोनिम पूछा था। ठीक है, अभी तो देखो प्रबल सर अभी गए हैं घर, आपको पता ही बताए हैं, तो आएंगे तो हम लोग वर्ड मीनिंग का, ठीक है ना, उनको दिया गया है टाइप करने के लिए वोकैब का, हम लोग वोकैब का सेक्शन शुरू करने वाले हैं, तो उनको अब वो भी घर चले गए हैं, और उसके बाद से टाइप करने वाले को मैंने और वो दिया गया है, तो टाइप करके आपको देगा, तो उसको हम लोग करेंगे, तो वोकैब का भी टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है ना, अच्छे अच्छे वोकैब करेंगे जो पेपर के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, ज्यादातर पेपर के लिए ही इम्पोर्टेंट होगा, साथ साथ और भी वोकैब तो हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो उसको टाइप करने के लिए दे दिया गया है, वो भी शायद कहीं गया है, उसको अभी वो भी आए नहीं, प्रबल सर आएंगे तो ठीक है ना, हम लोग शुरू करेंगे वोकैब। उसको मैं बता नहीं रहा था कि एकदम जिस दिन शुरू करेंगे उसी दिन बताने वाले था, लेकिन बहुत सारे लोग का लग रहा है कि वोकैब में दिक्कत है, वोकैब का भी करने वाला है। ठीक है, उसको दे दिया गया है, ये बात है। चलिए, द एंडीज माउंटेन्स ले बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। अब एंडीज माउंटेन आपको ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ये कहां से कहां तक है, ले मतलब होता है लेटना, यहाँ पे क्या होता है ले करना, मतलब किसी को लेटाना, किसी को लेटना, जैसे बिस्तर पे ले किए हो, लेटे हो उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ठीक है, तो इसके इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब एंडीज माउंटेन कहाँ है, लाइज कर रहा है, एल आई ई, लाई, लाई कहाँ से कहाँ कर रहा है, आपके चाई से लेकर अर्जेंटीना तक, यहाँ तक आपके कर रहा है, एंडीज माउंटेन्स लाई बिटवीन चाइल एंड अर्जेंटीना। तो इस तरह से क्या है आपकी, यहाँ पे ले नहीं होगा, लाई होगा, लाई मतलब कहां से कहां तक उसका एक्सटेंशन है, कहां से कहां तक उसका एक्सटेंशन है, लाइज इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना, लाइज लाइज आप इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि एंडीज माउंटेन क्या है भाई, प्लूरल है, ध्यान दे रहे हो ना, ये सब्जेक्ट है, आप कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल है तो हमें क्या चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो लाई प्लूरल होगा जब हम लोग इसमें ई एस जोड़ एस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल, तो इस सेंस में आपकी ये समझ में आ जाएगा ना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आंसर किसमें था, बी में, ठीक है ना, क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है। और बिटवीन के साथ आपके, बिटवीन के साथ एंड का फिक्स कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन भी आया है, बिटवीन के साथ एंड दिख रहा है तो ये भी सही है, तो कहा है? सिर्फ लाई होगा, क्लियर है, लाई मतलब एक्सटेंशन, यहां से लेकर यहां तक एक्सटेंशन को बोलते हैं, किसी चीज के दो क्षेत्रों के बीच में फैला हुआ क्षेत्र को बोलते हैं, क्लियर है, नहीं वो नहीं गए हैं, सब लोग जाएंगे तो फिर क्लासेस कैसी होगी, ठीक है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो उसको भी अब वो के बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग शुरू करेंगे, बहुत वर्ड सीखेंगे, एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है ना, उसका भी टेंशन कंप्लीट। चलिए, माय लाइफ हैड फिल इन द ब्लैंक्स मीनिंग विदाउट यू, माय लाइफ हैड फिल इन द ब्लैंक्स मीनिंग विदाउट यू, अब क्या हो सकता है यहाँ पे सोचो, नॉट नेवर नो नॉट, नॉट नेवर नो नॉट, ठीक है ना, तो माय लाइफ हैड नो मीनिंग, कोई हमारी जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, इसके बिना आपके बिना, बोल रहा है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं आपके बिना, ठीक है ना, तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, हाँ हाँ, 8 बजे आपके मैथ्स की शायद क्लास है, 8 बजे क्लास है, मैथ का है कि रीजनिंग मैथ के ही शायद मैथ्स का है, ठीक है ना, तो तैयार रहना आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है ना, माई लाइफ हैज नो मीनिंग विदाउट यू, मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं है आपके बिना, ये यहाँ पे फिर करना था, ठीक है, यहाँ पे नो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है भाई, 17 है, मैंने जूम किया, क्वेश्चन चले गए ऊपर,
ठीक है। चलिए इसका आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, देयर आर सम इंडियन हर्ब्स दैट पोजेस अ रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट थेरोपेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। देयर आर सम इंडियन हर्ब्स, हर्ब्स पता है किसको बोलते हैं, हर्ब्स का मतलब जड़ी बूटी को बोलते हैं, जो हमारे नेचुरल वे में प्राकृतिक जिसे जिसे दवा वगैरह बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, उसको बोलते हैं हर्ब्स, जो नेचुरल होते हैं हमारे प्राकृतिक, ठीक है, पेड़ पौधे किसी पत्ते होते से उसको। तो यहाँ पे क्या आपके एरर लग रहा, ठीक है, ये बताने आप। तो यहाँ पे क्या होगा, हर्ब्स क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में आया है, इंडियन हर्ब्स आपके प्लुरल सब्जेक्ट के लिए आया है, ठीक है ना। इसको सब्जेक्ट आप लोग मत मानना, ठीक है ना, ये आपके एडवर्ब के रूप में भी आता है और क्या होता है, डॉमी सब्जेक्ट, आपको मैंने बताया जब सब्जेक्ट नहीं रहता है तो इसको नकली सब्जेक्ट बन के आता है सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या है, प्लुरल है तो हमें वर्ब क्या चाहिए, प्लुरल चाहिए, तो पॉजेज हो जाएगा, यहाँ पे ईएस नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है, वर्ब भी हमें प्लुरल भी आंसर होगा, क्लियर है, समझ में आया। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब बताना है कि इसमें से कौन सा आपके सही है, इसमें से कौन सा आपके सही है, एक ही वर्ड सही है, तीन गलत है, आप बताना है कि कौन सा आपके तीन यहाँ पे सही है, बताइए। चलिए इसको बताइए कि कौन सा आपके सही है, देखो इसमें सही ढूंढना है, एक्सेप्शनल गलत है, होटल भी गलत है, अपीयरेंस गलत है, डिसीव सही है। डिसीव का मतलब किसी को धोखा देना, किसी से छल करना, किसी को चीट करना, धोखा देना, उसको बोलते हैं डिसीव। एक्सेप्शनल मतलब जो असाधारण हो, जो अपवाद हो, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल का क्या होगा, ई एक्स सी ई पी टी आई ओ एन ए एल, ठीक है ना भाई। यहाँ पे मोर्टल के मतलब होता है जो चीजें मरणशील हो, मतलब जो चीजें नाश्वर हो, जिसको जो खत्म हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि हमेशा कहा होता है मैन इज मोर्टल, मनुष्य क्या होता है, मरणशील होते हैं, मतलब कहने का मतलब जो चीजें समय के साथ नष्ट हो जाए, खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं रहता, उसको बोलते हैं, ठीक है ना, मॉडल। डिसीव मतलब धोखा देना, सबको पता है ना। अपीयरेंस मतलब होता है कहीं अपना हाजिरी जानना, कहीं अपना उपस्थिति दर्ज करना, अपीयरेंस माने आप कहीं पे उपस्थित होना, कहीं अपना हाजिरी दिखाना, उसको बोलते हैं। अपीयरेंस के क्या हो जाएगा, ए पी ई ए आर ए एन सी ई, अपीयरेंस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई था, ठीक है ना। तो इसलिए तो जो मैंने रेड से लिखा है सारे सही है, और जो वहां पे क्या किसी को डाउट, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 19, टू ब्लेज द ट्रेल, टू ब्लेज द ट्रेल, ठीक है भाई, टू ब्लेज द ट्रेल। अब क्या होगा, टू ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है, ठीक है ना, टू ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है किसी मूवमेंट को शुरू करना, किसी मुहिम को शुरू करना, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई भी आप मुहिम शुरू कर रहे हो उसको बोलते हैं टू ब्लेज द ट्रेल, मतलब टू स्टार्ट अ मूवमेंट, कोई मूवमेंट को शुरू करना, किसी प्रकार का मूवमेंट हो, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे किसी प्रकार का पढ़ाई, कोई भी सेंस में हो, उसको स्टार्ट करना, तो बोलते हैं टू ब्लेज द ट्रेल, मतलब टू स्टार्ट अ मूवमेंट, किसी मूवमेंट को प्रारंभ करना, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सर्वाइविंग एनी सीरियस इलनेस आर इंप्रूव्ड इफ द डिजीज इज कैचिंग अर्ली। आपको पता है यहाँ पे इफ है, इफ क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन
कंडीशन शो करता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है, अब कंडीशनल शो करता है, तो कंडीशनल जब भी शो करेगा तो हमेशा क्या होगा, वह तो प्रेजेंट में होगा, ठीक है ना भाई, या तो प्रेजेंट में होगा या तो पास्ट में होगा, यही होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज देखे क्या कर दिया है, कंटिन्यूअस टेंस में कर दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट कहने का मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये ध्यान देना, ठीक है, पास्ट के बोले तो पास्ट इंडेफिनिट इस सेंस में होगा, यहाँ पे कट आपके अर्ली हो जाएगा कंडीशनल, ठीक है ना, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, समझ में आई बातें, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबको दिख रहा है, और जूम करूं कि दिख रहा है, बताइए, चलिए लिखा हुआ है न्यूक्लियर पावर फॉर सिविल यूज इज वेल फिल इन द ब्लैंक्स इन इंडिया, ठीक है भाई, सिंस बिल्डिंग द टू स्मॉल बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स, ठीक है, उसके बाद दिया है फिल इन द ब्लैंक्स तारापुर इन द 1960s, इट्स सिविल न्यूक्लियर स्ट्रेटजी फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, नेसेसरली फिल इन द ब्लैंक्स इट इज एक्सक्लूडेड फिल इन द ब्लैंक्स द 1970 न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, ठीक है, अब इसमें क्या क्या हम लोग फील कर सकते हैं, सही सही वर्ड अब सोचना है, पॉट टू बी टू, हाँ पॉट टू भार के सेकेंड फॉर्म क्या लिख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, हाँ यहाँ पे है ना, एक मिनट कौन सा था, एक क्वेश्चन था ना, यहाँ पे ए होगा आपके बी, पॉट होगा, ठीक है भाई, पॉट अर्ली, ठीक है, पॉट अर्ली बी होगा, न्यूक्लियर पावरफुल सिविल यूज इज वेल फिल इन द ब्लैंक्स इन इंडिया, ठीक है, अब इसमें पढ़ो, लिखा है न्यूक्लियर पावर फॉर सिविल यूज इज वेल फिल इन द ब्लैंक्स इन इंडिया, अब इम्प्लांट मतलब किसी चीज को जमाना, किसी चीज को जमाना, इम्प्लांट करना, किसी चीज को बैठाना, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना, अब फाउंडेड मतलब भी स्थापित करना, और एस्टेब्लिश मतलब भी किसी चीज को, मतलब यहाँ पे भी फाउंडेड और एस्टेब्लिश दोनों का मतलब होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसको एस्टेब्लिश करना मतलब स्थापित करना, तो यहाँ पे देखो आंसर इम्प्लांट मतलब किसी चीज को आप अपने से बैठाना, किसी चीज को, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है ना, इम्प्लांट करना अपने से, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ दो ही आपके लग रहा है, फाउंडेड हो सकता है या एस्टेब्लिश हो सकता है, रिसरेक्ट का मीनिंग, रिसरेक्ट का मतलब हमें अभी दिमाग में आ नहीं रहा, लेकिन आंसर आपके एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना, एस्टेब्लिश करना मतलब स्थापित करना, ठीक है, फाउंडेड से फाउंडेड भी संभावना बन रही है, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर बनेगा एस्टेब्लिश करना, न्यूक्लियर पावर फॉर सिविल यूज इज वेल एस्टेब्लिश, माने वेल एस्टेब्लिश का मतलब एक फ्रेज के रूप में बन रहा है कि अच्छे तरह से स्थापित करना, किसी चीज को सही तरीके से करना, वेल फाउंडेड नहीं होता, फाउंडेड होगा, वेल एस्टेब्लिश एक वर्ड आपकी कॉलोकेशन बन रहा है पेयर के रूप में कि वेल एस्टेब्लिश माने किसी चीज को अच्छे तरह से स्थापित करना, ठीक है ना, सेटअप करना, सिंस बिल्डिंग द टू स्मॉल बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स, वाटर रिएक्टर्स मैंने आपको बताया था, जब भी छोटा कहीं प्लेस हो उसके साथ प्रीपोजिशन एट आता है, याद है अभी ही बताया कुछ देर पहले, जब भी छोटा प्लेस हो उसके लिए एट आता है, बड़े प्लेसेस के लिए, बड़े शहरों के लिए, बड़े छोटे, छोटा प्लेस बोले तो छोटा शहर हो जाता है, जैसे गांव कस्बा इस तरह के जो छोटे शहर होते हैं वहां पे एट प्रीपोजिशन आते हैं, बड़े प्लेसेस जैसे महानगर वगैरह होते हैं उसके साथ आपके इन आते हैं, तो तारापुर क्या है, बहुत ही छोटा प्लेस है, कोई बड़ा इतना बड़ा प्लेस नहीं है, तो यहाँ पे एट हो गया, क्लियर है, समझ में आया, तारापुर इन 1960 इट्स सिविल न्यूक्लियर स्टेट, आप लोग सोचोगे कि कैसे मैं पता करूंगा कि
कौन सा बड़ा शहर है, कौन सा छोटा है, कैसे आप पढ़ोगे तो गेस देखो इससे क्या लग रहा है। तारापुर तो इतना फेमस नहीं है कि सब लोग जानते हो, सब उतना भी कोई ऐसा गतिविधि ऐसा नहीं हो रहा है, उतना फेमस नहीं, तो आप देखते हैं तो समझ जाओगे पोजिशन, ठीक है। अब क्या है, इन द 1968 सिविल न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यहाँ पे डायरेक्टेड दिया है, ठीक है भाई, भारत के डायरेक्ट के भारत के थर्ड फॉर्म दिया है, तो यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा, पैसिव में दिया है सेंटेंस, सेंटेंस को पैसिव में यूज किया है, तो इट्स न्यूक्लियर स्ट्रेटजी हैव बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हैव बीन क्यों नहीं होगा, कि ये आपके इट्स सिविल न्यूक्लियर स्ट्रेटजी आपके सिंगुलर के रूप में आएगा, प्लुरल होता तो स्ट्रेटजीज हो जाता, क्लियर है, टुवर्ड्स द कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द न्यूक्लियर फ्यूल्स necessarily fill in the blanks it is excluded necessarily। अब necessarily ठीक है ना भाई, necessary क्या किया गया है, अनिवार्य रूप से इसको शामिल किया गया, यहाँ पे क्या है रीजन शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी रीजन दिखा रहा है, आप पढ़ोगे तो क्लियर हो गया, necessarily because अनिवार्य रूप से क्योंकि ये बाहर कर दिया गया था किससे, From the 1917 Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, ठीक है, यहाँ पे from किसी चीज से सेपरेट कर देना, किसी चीज से अलग करना, वहां पे from आता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे बात ये था, सुनना, ठीक है, बात ये था कि आपके न्यूक्लियर पावर जो हम लोग सेटअप किए थे, सब लोग न्यूक्लियर कंट्री, सबके पास बम है, न्यूक्लियर बम, ठीक है ना, तो सबके पास न्यूक्लियर बम है तो सब लोग यूज करते हैं, सब सारे देश के पास है, लेकिन वही चीज हम लोगों ने एक ट्रीटी है एनपीटी, आप लोग पढ़ोगे पॉलिटिकल से इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एनपीटी में हम लोगों ने क्या है, एक ग्रुप है, तो हम लोग एनपीटी में क्या किया, हम उससे बाहर है, हम उसके मेंबर्स नहीं है, इसीलिए हम लोग को एक्सक्लूड किया गया, ठीक है, हम लोग उसको साइन उस पर नहीं किए, उसका मेंबर नहीं बना है इंडिया, ठीक है, बात समझ में आया। ये आपके पेपर की इजी लेवल था, मतलब इसको बोल सकते हैं कि इस तरह के ये पेपर में कभी कभी इजी लेवल का क्वेश्चंस आया था, 25 क्वेश्चन जो इसका लेवल ऐसे। अब आप सोचो कि ये लेवल ऐसा है, ठीक है ना, अगर इस तरह का पेपर में आएगा तो क्या आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बोलिए। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं हार्ड लेवल पे फिर, ठीक है ना, ये वाला यही था सेम, ये नहीं था, यही था, इसको मैंने होमवर्क कभी दिया था, ठीक है। देखो बात क्या है ना, कि ये 25 क्वेश्चंस को आप लोग, मुझे लग रहा है कि ये लेवल इजी लेवल पे आया था, अब एक और हम लोग सेट करते हैं, देखना उसका थोड़ा सा लेवल, अब वो MTS आप CGL प्री जो भी पेपर है वो उस लेवल तक जाएगा, ठीक है ना, जैसे पूछा हुआ है क्वेश्चंस, कोई नया क्वेश्चंस नहीं है, प्रीवियस ईयर्स के हम लोग क्वेश्चंस छांटते हैं कि हाँ कौन सा किस लेवल का क्वेश्चंस आ सकता है, पेपर हो सकता है, तो यहाँ तक एक से लेकर 25 तक किसी को डाउट है तो बताइए, एक से लेकर 25 तक किसी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है तो बोलिए, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन से यहां से फिर से एक बार हम लोग बनाते हैं, ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, लिखा है मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, ठीक है, ये आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, तो यहाँ पे क्या इसका हो सकता है बताइए, सोचिए और आंसर कीजिए। बोलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचिए सब,
क्या लग रहा है? चल अब देखिए लिखा है मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर। कोई भी चीज को आप क्या करना, किसी चीज को बेटर बनाना, किसी चीज को, कोई चीजें क्या है मेक बेटर, और किसी चीज का जो पहले से क्या है खराब है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, जो सही नहीं है, जिसमें कोई कमी है, उसको ठीक करना। ठीक है भाई, तो अब होगा क्या सोचो, ये वन वर्ड जज मतलब किसी चीज को जज करना, मूल्यांकन करना, जज करना मतलब नहीं होता कि आप देख रहे हो कि हाँ। अब यहाँ पे क्या है मिलाइन का मतलब होता है जो आपके गलत इंटेंशन हो, किसी को धोखा देना, मिलाइन करना, ठीक है ना, दुष्ट किस्म के आदमी होते हैं जो नेगेटिव वर्ड है उसको बोलते हैं मिलाइन। अब ये कास्टिगेट, कास्टिगेट का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना, कास्टिगेट का मतलब होता है बहुत कंडेम करना, मान लो कंडेम बोलते हैं जिसको निंदा करना, ठीक है ना, बहुत कड़ी आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक, एमेलियोरेट मतलब होता है किसी चीज को सुधारना, किसी चीज को सुधारना, पहले से किसी चीज को खराब है तो उसको बेहतर बनाना, किसी चीज को सुधारना, बेहतर करना, उसको बोलते हैं एमेलियोरेट। तो मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर का मतलब होता है एमेलियोरेट करना, मतलब मेक बेटर करना, मतलब अच्छा बनाना, ठीक है ना, ठीक है ना, मेन तो यही है मेक बेटर। लेकिन इसको ब्रैकेट में इसलिए डाला है कि क्लियर होने के लिए, क्लियरिटी के लिए डाला है, समझ में बात आ रही है ना, अगर इसमें दिया ना मेक बेटर क्या समझ में नहीं आ, इसीलिए इसको इसलिए डाला है कि आपको और भी क्लियर आ जाए बातें, समझ में आई बातें भाई, किसी को डाउट तो नहीं है। तो इसलिए सारे वर्ड लिख रहे ना, कास्टिगेट मतलब कड़ी आलोचना करना, क्रिटिसाइज इसको बोलते हैं, ठीक है, एमेलियोरेट मतलब किसी को बेहतर करना, इम्प्रूव करना बोल सकते हो इसका सिनोनिम के रूप में, ठीक है ना, मेलाइन मतलब दुष्ट टाइप के होते हैं जो उसको बोलते हैं, ठीक है ना, गलत इंटेंशन, उसको जज करना, हमने किसी को जांच करना, समझ में आई कैसे हो रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ऐसा मत सोचने की हार्ड है तो नहीं बनेगा, बहुत कल नाम का हार्ड है, सब बना लोगे आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द व्यूइंग फॉर द माउंट एवरेस्ट इज क्लियर फ्रॉम हियर, क्लियर फ्रॉम हियर। अब क्या है व्यूइंग, यहाँ पे क्या है, ये आपके इस पार्ट में एरर है, क्या हो सकता है बताइए, व्यूइंग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे व्यू ऑफ द माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, ठीक है ना, व्यू ऑफ, अब यहाँ पे एन क्यों नहीं होगा, व्यू ऑफ एन इसलिए बाहर हो गया क्योंकि यहाँ पे माउंट जो है आपकी क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो व्यू ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज क्लियर फ्रॉम हियर, जो माउंट एवरेस्ट का जो क्लियर व्यू है, जो दृश्य है, यहाँ से क्लियर है, नहीं एन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप देखो ना माउंट एवरेस्ट है तो ये हमेशा कभी भी अगर आर्टिकल लेगा भी, अगर ये तो आर्टिकल यहाँ लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके आर्टिकल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे आर्टिकल लगाते हो तो ए आर्टिकल आएगा ना, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवेल साउंड रहता है, तो तब हम लोग एन लाते हैं। वोवेल कब लाते हैं, जब आपके ए हो, ई हो, ओ हो, यू हो, आई हो, इस तरह के साउंड के लिए आ रहे हैं। पहला लेटर इसमें से कोई मैच कर रहा है, नहीं, कोई ऐसा आपके प्रोनंसिएशन भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, बात समझना एक एक चीज, यहाँ पे व्यू ऑफ हो जाएगा, व्यू ऑफ द व्यू ऑफ माउंटेन, सबसे पहले मैं इसको बिठा दू, इसके प्लेस पे क्या होगा भाई, आपके आंसर होगा बी, ठीक है, व्यू ऑफ द को बाहर करके वहां पे व्यू ऑफ पुट करें, एंड इमेंस क्राउड, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा को बोलते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्राउड होता है, जो मास लेवल पे जो भीड़ होते हैं उसको बोलते हैं। An immense crowd, crowd with a wheel, had gathered to witness this ceremony. आप बताइए क्या आपको एरर लग रहा है, जहां पे ये आपके ब्रैकेट में यह दिया है, अंडरलाइन किया है, क्या ये इसमें कोई एरर है कि नहीं है बताना है, सोचिए इसका आंसर सब लोग कीजिए, क्वेश्चन का आंसर सब लोग कीजिए भाई, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था, एक देखो एक बहुत आसान चीज है, टेंस पे आसान, प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस, इसको शॉर्ट में लिखिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पी फॉर परफेक्ट, यू फॉर टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है भाई, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस, सॉरी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, एक मिनट पास्ट परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर सब लोग लिखिए कमेंट में, जिनको पता है लिखिए कोई बात नहीं है। पास्ट परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है ना भाई। यहाँ पे क्या है, हैड है, गेदर क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे हमें चाहिए वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा गेदर्ड हो जाएगा, समझ में आ रही है। तो किस में है भाई, एक ही में है। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या होगा, सोचिए। When it comes to love of sports, he takes off his father. ठीक है ना, takes off कोई word में होता है, take after एक word होता है, take after मतलब होता है, take after का मतलब होता है किसी का similar होना, किसी का एक जैसा होना, दो चीजों का एक जैसा होना, दो चीजों का एक जैसा interest जगना। वो जब when it comes to love of sports, जब sports की बातें आती है तो he takes after his father, वो अपने पिताजी की तरह हो जाता है, उनकी पिताजी को जो इंटरेस्ट है रुचि है वैसे ही हो जाता है, ठीक है ना, takes after हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनकरेक्टली बताना है, इसमें बताना है कौन सा गलत है, इसमें से बताना है कौन सा गलत है, सोचिए आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। बम्बास्टिक का मतलब होता है कोई चीज आडंबर हो, बहुत बड़ा नहीं हो, बिना मतलब के बात के बताऊंगा, आडंबर टाइप को बोलते हैं बम्बास्टिक, ये सही है। बिनाइन का मतलब होता है, बिनाइन का मतलब जो सौम्य टाइप के होते हैं उसको बिनाइन बोलते हैं, ठीक। आर्काइक मतलब होता है जो प्राचीन हो, यही गलत है, ठीक है। आर्टलेस मतलब जिसके पास किसी प्रकार का कोई कला ना हो, आर्ट से लेस है, उसके पास कोई कला नहीं है, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई अलग से स्पेशल स्किल नहीं है, उसको बोलते हैं आर्टलेस। तो आर्काइक के क्या हो जाएगा, आर्काइक का मतलब क्या होता है, जो चीजें प्राचीन हो, जो चीजें पुराना हो, बहुत पहले का समय का, उसको आर्काइक बोलते हैं, ठीक है ना। चल इस क्वेश्चन नंबर सिक्स को बताइए क्या आंसर बनेगा। बिजनेसेस आर आस्किंग एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम होम, ठीक है ना, बिजनेसेस आर आस्किंग एम्प्लॉइज, बिजनेस जो भी है, जो बिजनेसेस है क्या है, ये सब्जेक्ट पुट रहा है तो वर्ब पुट रहा है, आस्किंग एम्प्लॉइज टू द वर्क फ्रॉम होम, मानी घर से काम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ, आर्काइक मतलब जो प्राचीन हो, पुराने समय का हो, उसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके किसी प्रकार का एरर नहीं है, नो एरर आपके बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लुरल है, वर्ब प्लुरल है, ठीक है ना। आस्किंग आपके कंटिन्यूअस टेंस में है, इम्प्लाइज टू वर्क फ्रॉम होम, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं। चल क्वेश्चन नंबर सेवन, A child in an art museum is like a bull in a china shop. Idiom एक दिया है, A child in an art museum is like a bull in a china shop. ठीक है ना? तो मतलब कि ऐसा कोई person हो, ठीक है ना? ये idiom दिया है, A bull in a china shop. ठीक है भाई? A bull in a china shop. अब इसको बताना है क्या होगा? ठीक है भाई? चलिए. अब इसमें क्या हो जाएगा, ये idiom है a bull in a china shop का मतलब होता है कि ऐसा persons जिसको कोई है, कोई a clumsy persons in a delicate situation,
कोई सिचुएशन ऐसा हो, नाजुक स्थिति हो, होता है ना कोई की ऐसा स्थिति हो, नाजुक मतलब जो गंभीर सीरियस स्थिति हो, उसमें कैसा पर्सन हो, क्लमजी। क्लमजी मतलब जो बेढंगा लापरवाह टाइप को बोलते हैं, लापरवाह जो होते हैं ना, केयरलेस, ठीक है ना, लापरवाह को बोलते हैं, इसको केयरलेस भी बोलते हैं, केयरलेस जो केयरलेस टाइप की हो, ठीक है। और यहाँ पे डेलिकेट मतलब जो चीजें क्या हो, नाजुक, आंसर यही बनेगा। अब क्लमजी पर्सन मतलब ऐसा लापरवाह आदमी जो डेलिकेट सिचुएशन में हो, तो उसको बोलते हैं अ ब्लू इन अ चाइना शॉप, ठीक है। तो आप ही सोचो ना कि अ चाइल्ड इन एन आर्ट म्यूजियम इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, मतलब कोई बच्चा अगर आर्ट के म्यूजियम में वो जा रहा है, छोटा सा है, तो समझ ही रहे हो कि कोई ना कोई चीज तोड़ेगा फोड़ेगा, समझ ही रहे हो, बर्बाद कर सकता है इस तरह से। आंसर हो जाएगा आपकी सेंटेंस भी यूज करके दिया था कि आसान हो जाए। चलिए, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर और सिनेमा, कोई भी थिएटर और सिनेमा में जो दोपहर के जो परफॉर्मेंस होते हैं, जो भी नाटक वगैरह होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सोचिए, ठीक है। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर और सिनेमा, तो देखो कैनवास का मतलब होता है कि कोई चीज बड़ा आवरण टाइप की हो, उसको कैनवास बोलते हैं, ठीक है ना। और कॉमेडी तो पता है नाटक, प्रीमियर का मतलब हो कि ऐसा नाटक और फिल्म, सुनना, प्रीमियर का मतलब ऐसा नाटक और फिल्म जो क्या हो, सार्वजनिक तौर पे दिखाया जा रहा हो, पब्लिकली दिखाते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियर, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हो ना, कोई भी आप लोग के क्लासेस होती है प्रीमियर पे लग जाती है, तो हमेशा प्रीमियर का मतलब कि कोई भी नाटक हो, जो कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी चीजें प्रस्तुत कर रहे हो, तो क्या है, सार्वजनिक रूप में, जैसे यूट्यूब पे प्रीमियर पे लगता है, सबके लिए होता है ना, वैसे ही। तो यहाँ पे क्या है, प्रीमियर। अब मैटिनी मतलब होता है ऐसा नाटक, ऐसा फिल्म जो दोपहर के समय है, जो उस समय के समय दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं मैटिनी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मैटिनी, ठीक है ना। आफ्टरनून परफॉर्मेंस में क्या हो जाएगा, मैटिनी। क्लियर, समझ में आया। तब तो ये सात का सेवन के नहीं समझ में आ रहा है, क्या लिख रहे हो भाई, सात का क्या लिख रहे हो, नहीं समझ। सात का ए होगा, नहीं मोरल वैल्यू की बात नहीं है यहाँ पे, मोरल नैतिक आदमी नैतिक बातों की बात नहीं है यहाँ पे, है ना कि कोई भी नाजुक स्थिति है, समझ जाओ, उसमें क्लमजी पर्सन। तो यहाँ पे सेंटेंस भी दिया है कि अ चाइल्ड इन एन आर्ट म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है पता है ना आप लोगों को, जहाँ पे संग्रहालय में जो चीजें, कुछ चीजें रखा जाता है प्रदर्शनी के, जैसे हमारे महापुरुषों के लिए कोई मूर्ति बनाया गया है मोम से, चाहे फोम से, चाहे कार्टून से, स्टाइलिश तरीके से, चाहे कोई भी आपके बुक है, चाहे कोई ऐसा सेलिब्रिटीज है, ठीक है, चाहे कोई ऐसा साइंटिफिक चीजें हो, कोई अपना अलग अलग समय की चीजें हो, ठीक है ना, चाहे हिस्ट्रिकल कोई जानवर वगैरह के, तो वो बच्चे जब जाएंगे तो उसको छुएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, उसी सेंस में दिया है अ बुल इन अ चाइना शॉप, का मतलब है कि लापरवाह आदमी कोई नाजुक जगह है, ये क्या है, नाजुक जगह है ना, म्यूजियम में बहुत ही सावधानी से चलना पड़ता है, कुछ चीजें इधर उधर ना हो, टूटे फूटे ना हो, क्योंकि वो इसीलिए तो वहां पे रखा जाता है, क्यूरेटर को रखा जाता है जो म्यूजियम को देखभाल करता है, यहाँ पे इसी सेंस में। ये मोरल वैल्यू के बच्चों में मोरल वैल्यू नहीं होगा ना, छोटा बच्चा में क्या पता है मोरल वैल्यू, इसलिए यहाँ पे नहीं, समझ में आया भाई। चलिए बताइए इसका क्या होगा, एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन। अब जो आप कहीं डायरेक्शन को पता करते हो, ठीक है ना, एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन, जहां आप रास्ता चाहे कोई दिशा को पाना चाहते हो, तरीका क्या, उस किस तरीके से पाओगे, किस चीज का यूज करोगे, नेविगेट, ड्राइव, ऑपरेट, एनोटेट, बताइए क्या हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सोचिए क्या हो सकता है, देखो
देखो एन एबिलिटी टू फाइंड वेज, वेज मतलब रास्ता वगैरह को बोल रहा है, ठीक है ना। डायरेक्शन तूने दिशा, कौन सा दिशा में जा रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेविगेट के सहारे से। नेविगेट के सहारे से तो पता चलता है ना कौन सा डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नेविगेट। ड्राइव मतलब किसी चीज को चलाना, ऑपरेट मतलब भी किसी चीज को सिस्टम को ऑपरेट करने में चलाना, उसको बोले, ठीक है। एनोटेट, एनोटेट का मतलब होता है व्याख्यात्मक रूप से टिप्पणी करना, किसी चीज पे कमेंट करना, किसी चीज पे अपना राय रखना, लेकिन एक्सप्लेन करके रीजन के साथ, उसको बोलते हैं एनोटेट। एनोटेट उसको बोलते हैं जो व्याख्यात्मक रूप से किसी चीज को रखना, ठीक है, एक्सप्लेन करना किसी चीज को। अब कोई भी चीज पे आप बातें रख रहे हो तो उसको व्याख्या करके, एक्सप्लेन करके उसको बोलते हैं एनोटेट। तो इसको लिखेंगे व्याख्यात्मक टिप्पणियां करना, व्याख्यात्मक टिप्पणी करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। It was a long and dangerous journey in those unsettled days. ठीक है ना? ये नम, the pilgrim had to face fill in the blanks by land and sea. अब देखो, जब आप लंबा कहीं पे dangerous journey कर रहे हो, जहाँ पे सेटल नहीं हो उस जगह पे, नए जगह पे कहीं जा रहे हो, तो वहां पे पिलग्रिम जो हमारे होते हैं तीर्थ यात्री, जैसे कैलाश मानसरोवर जाते हैं, वैष्णो जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, तो क्या होता है हमेशा आप लोग सुनते हो, ठीक है ना भाई, तो वहां पे क्या सुनते हो, वहां पे सुनते हो आपकी ये चीजें कि हाँ यहाँ पे कोई जो हमारे पिलग्रिम पिलग्रिम है उनको दिक्कत हो गया, चाहे किसी कारण से उनकी मौत हो गई, ऐसे न्यूज हम लोग सुनते रहते हैं, ठीक है ना। नेविगेट का सही स्पेलिंग लिखिएगा, नेविगेट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, नेविगेट ध्यान दें, ठीक है। ये सेफ्टी नहीं हो, पेरिल्स मतलब होता है जो खतरा हो, जो जोखिम भरा हो। पेरिल्स क्या होता है, जो जोखिम भरा हो उसको बोलते हैं पेरिल्स। तो ये क्या करते हैं हमारे पिलग्रिम्स, क्या करते हैं, पेरिल्स करते हैं मतलब फेस करते हैं, जोखिमों का सामना करते हैं, वो लैंड में हो या सी में, ठीक है ना। एक्सपोजर मतलब खुलासा करना, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए, क्या आंसर होगा बनाइए। इसका आंसर बनाइए क्या होगा, हेजिटेंट, एक वर्ड है हेजिटेंट, सिनोनिम बताना है, सोचोगे इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, डिलीजेंट, ईगर, रिमोट, रिलक्टेंट, बताइए, सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा, चलिए देखियो, हेजिटेंट का मतलब होता है किसी चीज में हिचकिचाना, किसी कोई चीजें करने से हिचकिचाना, आगे पीछे करना, चाहे दुविधा में होना, नहीं होते कि हेजिटेंट है यार कि क्या बोलू कि ना बोलू, कोई डाउट है तो पूछू कि ना पूछू, हेजिटेंट माने हिचकिचाना, ठीक है ना, आगे पीछे करना, चाहे कहीं पे आपके दुविधा में होना, कंफ्यूज होना, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, डिलीजेंट का मतलब जो आपको लेबोरियस हो, क्या हो, लेबोरियस, ठीक है ना, कैसा हो, लेबोरियस, जिसको बोलते हैं परिश्रमी, परिश्रमी, ठीक है भाई, क्या मेहनती, उसको बोलते हैं डिलीजेंट। ईगर मतलब जो क्या है, उत्सुक हो किसी चीज को लेकर, उत्सुक हो, खुश हो। रिमोट मतलब होता है दूर दराज। रिलक्टेंट का मतलब जो अनिच्छुक, जो इच्छुक हो मतलब इच्छा नहीं है, जिसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है पूछ, किसी चीज को पूछने का, करने का, ठीक है ना, हिचकिचाने, कंफ्यूज्ड है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिलक्टेंट हो जाएगा, समझ में आया।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या आंसर होगा सोचिए तेजी में आंसर कीजिए इसका। चलिए अब इसमें क्या है देखो, इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है ठीक है, ऑप्शंस में हमें नहीं लगता है कि कोई जरूरी है क्योंकि आप इसको बस इस सेंटेंस में देखना है, सेंटेंस को पढ़ो यहां से लेकर यहां तक और बताओ कि क्या एरर बन रहा है ठीक है ना, सोचिए और एरर बताइए, आप लोग बता दोगे पूरा उम्मीद है ठीक है। अगर किसी कारण से आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे हो तो समझो कि यहाँ पे ठीक है ना कि रिवीजन की कमी है ठीक है ना। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं कि तो पता ही नहीं चलेगा कि ए बी सी क्या करोगे, आंसर्स आप ऑप्शंस के थ्रू बताइए। यहाँ पे क्वेश्चंस एक बार पढ़िए अच्छे से ठीक है, पढ़ लिए अब देखो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या यहाँ पे डाउट लग रहा है, मतलब कौन से एरर है। चलिए अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर याद है, पास्ट इंडेफिनिट का बताया था वो भी नेगेटिव वाले में, नेगेटिव में बताया था पास्ट इंडेफिनिट का क्या होगा, द सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स ठीक है भाई। तो डिड नॉट अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ठीक है, आपकी यहाँ पे क्या दिया है नेव ठीक है, नो का नो क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, न्यू वर्ब के सेकंड फॉर्म है ठीक है, हमें क्या चाहिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो ये पहला नंबर तो इस डी वाले में एरर है ठीक है, मैंने एक्सप्लेन बता दिया स्ट्रक्चर से कि हमेशा याद रहेगा ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख रहे हो ना, कोई टफ नहीं है, यहाँ पे नो कर दोगे, समझ में आया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर फेचिंग अ फाइनेंशियल क्रंच ठीक है भाई, मेनी ठीक है भाई। चलिए इसका बताइए क्या होगा, मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स, मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स क्या है सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है प्लूरल है ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब का प्लूरल दिया हुआ है, फेसिंग अ फाइनेंशियल क्रंच, क्रंच मतलब क्या है पैसे रुपये की कमी, क्रंच मतलब जहां पैसे की कमी हो वहां पे क्रंच हो जाती है फाइनेंशियल क्रंच। तो बहुत सारे हमारे राज्य सरकारें हैं, अलग अलग राज्य सरकारें हैं क्या है पैसे की कमी का सामना कर रही है, फंड की इस कमी का सामना कर रही है, राज्य सरकारों के पास वैसे भी पैसा की कमी रहती है क्योंकि वो केंद्र पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है ठीक है ना। तो वही बातें बोल रहा था, इस प्रकार से इसमें कोई प्रकार का एरर नहीं है, अपने आप में नो इम्प्रूवमेंट, पूरा का पूरा सेंटेंस आपके सही है। पहला नंबर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल वर्ब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई डाउट क्लियर। अगर आप लोगों को किसी को लग रहा है, आप लोगों में से किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एरर है तो जरूर बताना, तभी तो मैं समझा पाऊंगा, तभी तो आपको लगा कि हाँ, ऐसा नहीं कि आपको कुछ लग रहा है तो ऐसा चुप नहीं रहना है, नहीं समझ में आया तो पूछना है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका बनाइए क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आई हैव ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म चाहिए ना, वर्ब के थर्ड फॉर्म चाहिए तो रिसीव्ड हो जाएगा, समझ में आई बात है, और समझ में आई प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड्स, तो यहाँ पे रिसीव क्या है फर्स्ट फॉर्म दिया है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, देखिए इस पार्ट में एरर है भाई आपकी डी में, क्लियर है समझ में आ रही है ना।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लेकोनिक वर्ड दिया है, लेकोनिक, लेकोनिक का मतलब होता है जो आपके कुछ संक्षिप्त में हो, क्या हो, जो चीजें जो संक्षिप्त में हो, बहुत कम शब्दों में हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लेकोनिक। लेकोनिक मतलब जो संक्षिप्त हो, ठीक है ना, किसी चीज को संक्षिप्त में बोलते हैं लेकोनिक, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे एंटोनिक पूछा है, यहाँ है वर्बोज, वर्बोज का मतलब जहां बहुत डिटेल में कोई चीजें विस्तृत में शब्द बहुल बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, जहां शब्दों की बहुत ज्यादा हो उसको बोलते हैं एंटोनिम पूछा है। तो लेकोनिक का क्या वर्बोज हो जाएगा, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, इसका सिनोनिम बन रहा है, पूछा है एंटोनिम। टर्स का मतलब भी क्या होता है, संक्षिप्त। तो टर्स, ब्रीफ और लेकोनिक ये तीनों सिनोनिम है, ये तीनों सिनोनिम है, ठीक है, एक मतलब सिमिलर मीनिंग है। अब पीथी मतलब होता है अर्थपूर्ण, जो जिसका कोई अर्थ हो, जो मीनिंग से भरापूर्ण भरा, ठीक है, अर्थपूर्ण, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए वैंक्विश वर्ड है, वैंक्विश, वैंक्विश का मतलब हो जिसको जिसे किसी युद्ध में चाहे किसी प्रकार का कोई भी वार में चाहे, ठीक है ना, उसको जो हरा, किसी को कोई परास्त कर दे, क्या कहे, किसी को कोई हरा दे, पराजित कर दे, किसमें, खासकर किसी कंपटीशन में स्पर्धा हो चाहे वार हो, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े वार में किसी को कोई हरा दे, पराजित कर दे, उसको बोलते हैं वैंक्विश। वैंक्विश माने पराजित करना, खासकर किसी कंपटीशन में चाहे किसी युद्ध में, ठीक है ना। तो सिनोनिम क्या होगा भाई, डिफीट, डिफीट माने भी हराना, हारना। एक्विट मतलब किसी चीज को मुक्त कर, माने छोड़ देना, बरी कर देना, आजाद कर देना, उसको बोलते हैं एक्विट। फ्ली मतलब भाग जाना, किसी कोई भाग जाता है कहीं से, भगा जाना, ठीक है ना। सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण करना, मतलब आप कहीं पे अपना एक तरह से किसी का अधीन हो जाना कि नहीं भाई मैं आपके सामने झुक रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा, ठीक है, ये भी मिलता जुलता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग आंसर ये होगा डिफीट, ठीक है, हारना, हराने हारने की बात हो रही है तो वैंक्विश और डिफीट ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ओवर इंडल्जेंस इन एनीथिंग मे प्रूव फिल इन द ब्लैंक्स टू हेल्प। ओवर इंडल्जेंस मतलब किसी भी चीज में ज्यादा आप शामिल हो रहे हो, इंडल्ज हो रहे, लगे रहे, तो उसमें क्या हो रहा है वो प्रूफ कर सकता है क्या, प्रूफ इन द ब्लैंक्स टू हेल्थ। एस्पुरियस माने जो आपकी क्या हो, जो जहरीली हो, जो विषैली हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा जहरीली को बोलते हैं, विषैला हो, जहरीली, जैसे एस्पुरियस लेकर आप लोग सुने हो, जहरीली शराब वगैरह, उसे ही एस्पुरियस माने जहरीली। रेपिटेटिव माने कोई चीजें बार बार, तो क्या है ज्यादा किसी में इंडल्ज होना तो क्या हो जाएगा, इंजरियस हो जाएगा, हानिकारक होता है, घातक, ठीक। कमर्शियल नहीं, कमर्शियल मतलब किसी का व्यावसायिक होना, व्यापारिक होना, उस तरह, समझ में आ रही ना। तो आपके हेल्थ के लिए क्या जहरीला थोड़ी होगा, आपके हानिकारक होगा ना स्वास्थ्य के लिए, यहाँ पे इंडल्जेंस अप्रोप्रिएट वर्ड। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, ये क्वेश्चन है, इसको सुधारना है और इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है ना। चलिए बताइए क्या आंसर बन सकता है, अब देखिए क्या है, द टेबल वाज ग्रेस्ड, ये ग्रेस्ड होगा, ठीक है ना, यहाँ पे गलत है, और क्या है, सॉरी ये क्वेश्चन, द टेबल वाज ग्रेस्ड, ठीक है,
विथ लवली, लवली डबल एल नहीं होता है, ए लवली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, दो में आंसर बन रहा है, ठीक है ना भाई, दो में आंसर बन रहा है, ठीक। इसमें क्या है, किसी ने किसी एक में और गलती किया होगा, तो इसको ध्यान देना। यहाँ पे आप आंसर बी मारो चाहे सी मारो, ठीक है, इसमें सुधार करो, क्योंकि ए तो बाहर हो जाएगा, लवली गलत है, ठीक है, और ए भी गलत है, इस कारण से, ग्राफ्स के कारण से आपका आंसर दोनों सेम कर दिया है, बी और सी, किसी को मार दो बी मार दो, बात समझ में आ गई नहीं कि क्या गलत था, क्वेश्चन का मेन रूपरेखा समझ में, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है आंसर में, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर में है, हो सकता है कि इसमें किसी में ए बी बी और सी में कोई ना कहीं और कुछ छोड़ा हो। द जजेज अप्लाउडेड मी फॉर माई परफॉर्मेंस एट द कॉम्पिटिशन, द जजेज अप्लाउडेड मी, अप्लाउडेड मतलब क्या था, प्रशंसा करना, अप्लाउड मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा करना किसी भी काम के लिए आपको, प्रेज करना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। द जजेज अप्लाउडेड मी, जज जो थे मुझे बहुत प्रशंसा किए फॉर माई फिल इन द ब्लैंक्स परफॉर्मेंस एट द कॉम्पिटिशन, किसके लिए, अब बताओ आप कोई एकदम नॉर्मल कोई परफॉर्मेंस करोगे तो कोई तो प्रशंसा करेगा नहीं, नॉर्मल करोगे, यूजुअल मने भी नॉर्मल के सेंस में होता है, और क्या है लार्ज, ऐसा नहीं, आउटस्टैंडिंग करोगे तभी कोई आपको प्रशंसा करेगा, आउटस्टैंडिंग का मतलब बेजोड़, जिसका मतलब शानदार, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे क्या बनेगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। अब कोई ऐसा काम अनोखा करोगे तभी तो कोई करेगा, अब नॉर्मल चीज पे कोई जज थोड़ी आपको करेगा कि हाँ, बात समझ, इस सेंस पे होती है, फिर इन द ब्लैंक्स ज्यादातर सेंस पे, आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो सेंस से क्लियर हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके है क्लोज टेस्ट, ठीक है भाई, एक क्लोज टेस्ट है, खत्म हो जाएगा, लास्ट है आपके, ठीक है ना, स्टार्ट करें, सब लोग तैयार हैं, आप एक बार इसको पढ़ो, सबको दिख रहा है ना भाई, इस क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ो आप लोग, आप पढ़ के आप बताओ कि क्या कहना चाह रहा है, आप इसका शीर्षक बताइए, होमवर्क, चलो तो इसको बनाना आप लोग, इस क्वेश्चन को क्या करना आप, इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, इसको अच्छे से पढ़ना, एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, खूब अच्छे से पढ़ के आंसर करना, और आंसर को कमेंट में बता, ठीक है, चलिए ये इसका क्वेश्चन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, चलिए अब इसको क्या करना है भाई, देखो अब ये था हमारे जो पेपर जो हम लोग 25 क्वेश्चन पहले किए, इसी में वो आसान लेवल का था, इस थोड़ा सा इसको हार्ड लेवल माना गया, इसी बीच में क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, उस तरह का पेपर फर्स्ट जैसा आए, उसका जो हम लोग 25 क्वेश्चन पहले किए, या तो उस लेवल का आए या इस लेवल, इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है ना भैया, तो सब लोग समझ रहे हो, और क्या करना है, इसको खूब अच्छे से बनाना, और इसका बनाकर आंसर जरूर करना कमेंट में, सब लोग का आंसर मैं देखता हूँ तब मैं, ठीक है ना, तो आप लोग एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, ईमानदारी से आंसर करना, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है ना, तो मैं उसको बताने के लिए तैयार, ठीक है भाई। अगर आप कोई क्वेश्चंस कहीं बना रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो किसी सेट से, तो प्रबल सर की टेलीग्राम पे आप भेज देना, ठीक है, वहां से मैं क्वेश्चन को पिक करूंगा, फिर आपके अगले क्लासेस जब जैसे क्लासेस नेक्स्ट होगी उसमें बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश में इंटरेस्ट जगाइए, भागिए मत, क्योंकि इंग्लिश जरूरी है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्लासेस जैसा भी लगा अपना फीडबैक बताना, अच्छा बुरा जो भी, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।
बाय बाय, ठीक है, चलिए। और मैथ की क्लासेस आपकी 8 बजे होगा, तैयार रहना आप लोग, बहुत जबरदस्त क्लासेस होने वाली है।